बीती देर रात दादरी रोहतक रोड पर गांव कबोद के समीप तेज रफ्तार से आती हुई दो बाइकों की सीधी टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे रोहतक के पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। वहीं दोनों मृतकों के शवों को दादरी के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। बौद्ध कला थाना पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। ये पवन किशोर भाई अपने बड़े भाई थे, शाम को जो अपने बार-बार की शॉप के ऊपर से काम करके घर जा रहे थे, रास्ते में जो सामने से एक मोटरसाइकिल और आ रही थी, दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर हो गई, जिसपे ऑन द स्पॉट दोनों भाइयों की डेथ हो गई। सांदर वाले भाई की भी और कोलावास के जो हमारे पवन किशोर भाई थे उनकी, कुलदीप नाम था लड़के का, उनके पापा का नाम कंवर सिंह है। और जो अपना ये कमोद है, कमोद बस स्टैंड के आसपास से जो ये हादसा हो गया, जिसमें दोनों ही की अकस्मात मृत्यु हो गई। तो एक बाइक के ऊपर दो बंदे थे, एक के ऊपर एक बंदा था, दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। तो जो ये क्या काम करते थे दादरी से? दादरी पवन और जो दूसरा लड़का था, ये अपने बार-बार शॉप के ऊपर काम करते थे, शाम को अपने घर जा रहे थे। और ये भाई जो अपने गाँव सांदरवास से दादरी के लिए आया हुआ था काम के लिए, और जो रास्ते में जो ये हादसा हो गया। चंद रात को सूचना मिली कि ग्रैन वैली होटल के पास से दो मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हो गया है। फिर हॉस्पिटल में रुका प्राप्त किया था, जहाँ पर पता चला कि दोनों चालकों की मौत हो गई और एक मोटरसाइकिल पवन के पीछे बैठा था, वो पीजीआई रेफर कर दिया। अब इनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। तो किस तरह कहाँ जा रहे थे, कहाँ रहे थे? पवन दादरी दुकान का रखिए बार बार की, वो अपने घर जाता था कोलावास, उसके पीछे प्रवीण बैठा था कासनी का, और दूसरी मोटरसाइकिल से संदरवास की तरफ से दादरी आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पर, जो वहाँ आपस में टकरा गई मोटरसाइकिल। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।